वेरी गुड भैया। अरे इसका भी अमायरा इलाइजा अमायरा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह उठकर पैकिंग करके निकल गए हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग, मेरा थंबनेल से पता चल ही गया होगा। हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, हमारा एनिवर्सरी था, 5th एनिवर्सरी। एंड हमारा एनिवर्सरी एक्चुअली 8 मार्च को था, बट उस दिन तो होली था तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे। हम लोग तो नेक्स्ट डे गए, और ये ब्लॉग आने में थोड़ा या बहुत लेट हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग का। एंड यहाँ पे हम लोग कोलकाता पहुँच गए थे, ये हमारी गाड़ी आ गई थी होटल से, और फिर हम लोग जा रहे थे होटल। 12:34 टाइम था इसका। ऐसा सिस्टम है ना, राइट में मतलब पार्किंग दे दी। लड़की को नींद आ रहा था, पता नहीं वो उस सबको देख देख के उसको ऐसा लगता है सोई नहीं। रैंप नया बनाए था हमारा रूम का विंडो से व्यू, बहुत ही मस्त आ रहा था। एंड यहाँ आप देखिए हमारे पतिदेव क्या ढूंढ रहे हैं, ये मिनी बार दिया है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, मिनी फ्रिज देख सकते हैं इसमें क्या क्या रखा हुआ है। हमारे पतिदेव का बल्ले बल्ले। एंड यहाँ पे हमने सबसे पहले अमायरा नई नई कर ली है, मैंने अमायरा पर नहला दी। एंड इसके बाद इसको मैं रेडी कर दूँगी, इसके बाद मैं खुद नहाऊँगी। एंड यहाँ आप देखिए यार, यहाँ भी आकर ये अपने ऑफिस का काम ही कर रहे, बताओ इतने अच्छे होटल में आकर कौन काम करता है। और यहाँ देखिए अमायरा रेडी हो गई है, ये अपने हेयर बैंड निकालने में लगी पड़ी थी लड़की बदमाश, हेयर से पूरा गिरने लगी है और ये खेल रही थी। एंड अभी मुझे भी रेडी होना है, हम लोग को रेडी होकर जाना है, थोड़ा होटल वगैरह घूमेंगे, फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे एंड खाना वगैरह खाएंगे। आज तो वैसे थोड़ा थक गए हैं तो आज कहीं बाहर नहीं जाएंगे, रेस्ट ही करेंगे। सो मिलते हैं। हाँ पापा अभी भी बिजी ऑफिस का काम करते हुए।
यहाँ सब पूल पार्टी कर रहे हैं। हाँ सब पूल पार्टी कर रहे हैं मायरा, हम लोग भी चलेंगे क्या? लाइटिंग इज वेरी गुड मायरा। कौन है वो? कौन कौन है? मम्मी खुद रेडी होती है, तुमको नहीं करती है। एंड ये है हमारा फाइनल लुक, तो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ कि आप भी आ जाइए थोड़ा सा वीडियो, बट वो नहीं आ रहे, उनको जल्दी ही नीचे जाने की, सो हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। एंड फिर मैं अपना थोड़ा सा अपने आप को देख रही हूँ कैसी लग रही हूँ। एंड यहाँ हमारा रूम थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया था, हमने किया था थोड़ा ही करने के लिए। एंड यहाँ पर देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, हैप्पी एनिवर्सरी। एंड यहाँ हमारा केक भी आ चुका था, बहुत ही टेस्टी केक था, देख सकते हैं। ओह माय गॉड, इतना तो पेट भर गया ना। सो चलिए अब केक कट करते हैं। एंड अब हम लोग जा रहे हैं नीचे डिनर के लिए, थोड़ा पूल साइड वगैरह घूमेंगे एंड डिनर करेंगे, देन फिर रूम पे आ जाएंगे। एंड जाते जाते वक्त हमें रास्ते में हमारी तक एक फ्रेंड मिल गई थी, इससे आप लोग भी मिलिए। एंड देखे आप लोग कितनी क्यूट थी, उसका इलाइजा नाम था, और बहुत ही अच्छी फैमिली थी, बहुत ही अच्छे से बात किए। एंड हम लोग को नेक्स्ट डे भी मिले थे वो लोग, सो वो लोग गोवा जाना था तो इसलिए वो लोग यहाँ पे स्टे किए थे, गोवा जा रहे थे वो लोग कपल। एंड उसके बेबी का भी 8 मंथ रहा था, मेरी बेबी का भी, सो अच्छा लगा मिलकर। एंड इस होटल में ज़्यादा फॉरनर लोग ही स्टे किए थे, बहुत इंडियन हम बहुत कम ही दिख रहे थे, सो अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग किसी और देश में आ गए हैं। एंड बहुत ही अच्छा होटल था यहाँ का, ये पूल साइड बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे, मौसम बहुत ही अच्छा था उस टाइम जब हम लोग गए थे, यानी हाँ मायरा को बड़ा मज़ा आ रहा था, इसको ऐसा लग रहा था मैं पानी में जाकर छलांग मार दूँ। ये हम लोग नेक्स्ट सुबह ये पूल साइड में भी नहाई थी, उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, सो प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे भी ब्लॉग आने वाले हैं। थोड़ा सा डिले हो जाता है एक्चुअली में, मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है छोटा बेबी की वजह से, मैं कभी कभी तो सोच रही थी यार छोड़ देती हूँ ये सब, बट फिर नहीं करना है तो करना है, देखते हैं जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी।
अमायरा क्या कर रही है? इंजॉय कर रही है पूल शायद। अम्मो चलो। इधर देखो, इधर देखो। अमायरा बिट्टू, अमायरा देखो इस लड़की कैसे मुंह बना रही है। हम लोग यहाँ डिनर के लिए आ गए थे और यहाँ पे ऑर्डर करना था, बुफे नहीं लगा हुआ था, मॉर्निंग में बुफे लगाता है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे थे और ये लड़की मुंह बना रही थी। यहाँ पे बेबी सीटर था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस होटल का, और हमारा मस्त उसमें बैठा दिए थे, वो मस्त इंजॉय कर रही थी। तो हर होटल में ऐसा बेबी सीटर होना चाहिए यार बच्चों के लिए, सो बहुत ही आसानी हुआ ऐसे। बाकी ऐसे गोद में लेके चलाने में बहुत परेशान करती है। एंड यहाँ अभी इसको थोड़ा घूमना था, इसके पापा इसको घुमा रहे थे, अब चलने लगी है तो ये चलने के लिए ही खोजती है, बस मुझे चलाते रहो, इसमें खुद ही दौड़ के भागेगी। सो बहुत मज़ा आ रहा था मायरा का साथ होटल में। फर्स्ट नहीं सेकेंड टाइम था, फर्स्ट टाइम हम लोग पूरी गए हुए थे, और अभी बहुत जगह अभी तो स्टार्ट हुआ है मायरा के साथ, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। और आप लोग भी मेरे वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हम लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया, एंड ये हमारा आ गया था डेजर्ट, डेजर्ट के बिना तो खाना अधूरा है। एंड ये था आई थिंक सैंडविच, पैनकेक था आई थिंक कुछ तो था, ये था मेरा फेवरेट है ब्राउनी विथ आइसक्रीम। किस किस का फेवरेट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ब्राउनी विथ आइसक्रीम जरूर खाती हूँ अगर अवेलेबल होता है वहाँ पे तो। एंड ये अपना ऑर्डर किए थे सैंडविच, ऐसे कुछ तो नाम था। एंड यहाँ हमारा भी चटकारी मार के खा रही थी इसको, मतलब हम लोग हर चीज़ ट्राई कराते हैं, जो भी खाते हैं इसको भी ट्राई कराते हैं। एंड ये फुल डाइनिंग एरिया का लुक तो बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर था। ये तो बस आधा दिखा, ऐसे हम लोग जा रहे थे तो हमने सोचा था। एंड हम लोग अब जा रहे थे रूम पे। सो ये था मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूँगी। सो बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना मयूरा, बाय।